बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। व्यूवर्स, आज की वीडियो पैनकेक स्वैप के ऊपर आप किस तरह किसी टोकन को स्टेक कर सकते हैं इसके रिलेटेड है। तो आइए पैनकेक स्वैप वेबसाइट को खोलते हैं। ये हमने केक इस पर क्लिक किए, क्लिक करने के बाद पैनकेक स्वैप कोइन मार्केट के ऊपर खोल चुका है। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो आप कहीं से भी इसको किसी और वेब से इसको ना खोलें या ना उसमें स्टेकिंग करें, कोशिश करें कि ऑफिशियल ही आपको मिले। तो अभी इस पे हम क्लिक करते हैं। ये भी हमारे पास खुल चुका है, ये वार्निंग भी उन्होंने ऑलरेडी इसमें दी हुई, चूँकि इसमें लोग काफ़ी जो है ना वो स्कैम कर जाते हैं, लिहाजा आप दोस्त भी इस चीज़ से बचे रहें। ये इसमें जो बटन आ रहे हैं, पहले में है एक्सचेंज, यहाँ पे आप कोई टोकन अगर परचेज करना चाहते हैं तो आप इससे परचेज कर सकते हैं। फर्ज करें हम केक को ही परचेज करते हैं, तो आप इधर उसकी क्वांटिटी लिख सकते हैं कि मैंने इसको 5 को अगर परचेज करना है तो उसकी BNB में अभी की प्राइस कितनी बन रही है। तो ये है, उसके बाद आप वैलेट आपको कनेक्ट हो, क्योंकि वैलेट ट्रस्ट वैलेट मेरे पास है और वो डेस्कटॉप या लैपटॉप उसको सपोर्ट नहीं करता। अगर मैंने इसमें इंस्टॉल किया हुआ है लेकिन वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आगे जाके मैं आप लोगों को ट्रस्ट वैलेट के ऊपर गाइड करूँगा। और दूसरी चीज़ इसमें है लिक्विडिटी, अगर आप लिक्विडिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इधर आप उस पेयर्स को ऐड करें और ऐड लिक्विडिटी में उसको रखें, उस पर भी आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। इसके बाद अर्न का बटन है, अर्न में आता है फार्मिंग और पुल, वेन है, वेन में प्रेडिक्शन आता है, और ये लॉटरी सिस्टम है, इसमें भी अगर आप वेन कर जाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। NFTs में और व्यू है और कलेक्शन है। तो अभी हम चलते हैं अर्न पे। अर्न में ये फार्मिंग है, फार्मिंग में ये होता है कि आपने दो पेयर को इकट्ठा करके, जिस तरह ये इधर आप देख सकते हैं, दो केक और BNB का आप इसको स्टेक कर सकते हैं और ये तकरीबन आपको 40x तक प्रॉफिट दे सकता है। और BUSD BNB ये जितने पेयर है बिनांस के ऊपर जो है ये सर्टिफाई और BNB, तो इसको भी आप फार्मिंग पे लगा सकते हैं। और इसके बाद है दूसरा पोल, पोल के ऊपर आप केक को जो है वो लगा सकते हैं, जिस तरह ये सामने नज़र आ रहा है, ऑटो केक और मैनुअल केक। ऑटो केक में ये फ़ायदा होता है, अगर आप इसको स्टेक करते हैं, कि उसमें अगर आपने 10 लगाए हैं, 10 को आपने स्टेक किया है, तो 10 के ऊपर जो रिवार्ड मिलेगा, 2 मिलते हैं, 3 मिलते हैं, वो भी इसमें ऐड होते हैं, और फिर उसी के ऊपर भी आपको रिवार्ड मिलेगा। तो मैनुअल में ये होता है कि आपका जो अर्न है, जो आपने जो आपको अर्न रिवार्ड मिला है, उसको आप एक सेपरेट उसमें वो रखते हैं, और बाकी जो आपके स्टेक टोकन्स है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये इस वजह से इसका परसेंटेज भी, जिस तरह आप देख सकते हैं, 77 है और इसका 58 है। अलबत्ता नीचे के साथ भी आप इसका वो कर सकते हैं कि अगर आप केक को स्टेक करते हैं तो ये नीचे जो नज़र आ रहा है आपको स्टेक केक, तो इस टोकन में भी आप रिवार्ड ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, सर्टिफाई में भी ले सकते हैं। यानी ये बिनांस ब्लॉकचेन के टोकन हैं, इसमें अगर आप किसी को सेलेक्ट करते हैं तो आप उसमें रिवार्ड ले सकते हैं। तो अभी हम इसको ऑटो केक को पोल में लगाएंगे, तो इसके लिए मैं चलता हूँ ये अपने ट्रस्ट वैलेट के ऊपर। यहाँ से हम DApps पे क्लिक करेंगे, DApps पे क्लिक करने के बाद पैनकेक स्वैप के ऊपर, ये चूंकि
ऑलरेडी ट्रस्ट वैलेट है, ये कनेक्ट है। अगर आपके पास मेटा मास्क हो तो वो आप उसी के ऊपर उधर भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो उधर से आप डायरेक्ट उसमें जो भी लेन देन हो वो आप कर सकते हैं। इसके डिटेल पे हम क्लिक करते हैं। नेट की स्पीड कुछ स्लो है जिसकी वजह से ये टाइम ले रहा है। तो आपने वैसे भी अपने टोकन को अगर इसलिए होल्ड किया है कि इसकी प्राइस अप्रिशिएट हो तो मैं इसको सेल करूंगा, तो आपके पास वैलेट में पड़े हैं उसके बजाय आप यहाँ पे इसको स्टेक करें तो आपकी टोकन में इजाफा होगा और ये काफ़ी अच्छा परसेंटेज दे रहे हैं। लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी रिस्की होती है कि अब पैनकेक स्वैप के ऊपर हमने इसको स्टेक किया है, कल अगर कोई मसला पैनकेक स्वैप के साथ पेश आता है तो हमारे टोकन भी ज़ाया होने का ख़तरा होता है। तो रिस्क हर चीज़ में मौजूद होती है और क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफ़ी रिस्की भी है। अच्छा, इसके बाद आपने इनेबल को क्लिक करना है। इसमें एक चीज़ कि अगर आप इसको 72 घंटों से पहले विड्रॉ करते हैं तो कुछ थोड़ी सी फीस आपको देनी पड़ती है, अदरवाइज इसकी कोई फीस वगैरह नहीं है। पहले जिन लोगों ने केक को स्टेक किया है ये उनकी डिटेल है। हम इनेबल पे क्लिक करते हैं। इनेबल पे क्लिक करने के बाद एक मैसेज आ गया, इसको हम अप्रूव करेंगे यहाँ से। उस मैसेज को अप्रूव करने के बाद अब हम इसको स्टेक कर सकते हैं। स्टेक के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है और मेरे पास इधर तकरीबन 6.499 ये केक के टोकन पड़े हैं। इसमें से आप जितने करना चाहते हैं 25%, 50%, 75% या मैक्सिमम, तो जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इतनी ही टोकन आपके स्टैक हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ मैनुअल लिख देता हूँ कि नेट की स्पीड काफ़ी स्लो है, और कंफर्म पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद एक दफ़ा फिर आपके पास ट्रस्ट वैलेट पे एक मैसेज चला जाता है, और इसी तरह सेम आप अगर कोई और वैलेट इस्तेमाल करते हैं, मेटामास्क करते हैं या कोई भी और वैलेट करते हैं, उधर से भी आपने उसको अप्रूव करना है। इधर से हम अप्रूव के बटन को क्लिक करते हैं। ये हमारे जो टोकन थे वो स्टेक हो चुके हैं, आप ये मैसेज देख सकते हैं। और यहाँ पे जो रिवार्ड दिखा रहे हैं वो फिलहाल यही है, लेकिन ये मैंने पहले भी कुछ टोकन इधर स्टेक किए थे तो ये अच्छा रिवार्ड देते हैं। तो आप भी अपने टोकन को अगर आपके पास वैसे पड़े हैं उसको आप स्टेक कर सकते हैं, पेयर में भी आप उसको कर सकते हैं, फार्मिंग के ऊपर लगा सकते हैं बीएनबी के साथ या किसी भी और उसके साथ जो कि बनांस ब्लॉकचेन का टोकन हो उस पे आप उसको स्टेक कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन को भी हल्का सा पुश कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।